खबर लखनऊ से है, जहां पर रामचरितमानस पर विवाद गहराता जा रहा है। अखिल भारतीय बाबा साहेब व भीमराव अम्बेडकर मिशन के बैनर तले तमाम संगठनों ने स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करके सड़क पर उतरे हैं। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मारक स्थल पर तमाम संगठनों ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वही हम चाहते हैं कि संशोधन हो। रामचरितमानस में जैसा कि लिखा गया है, आभीर यवन किरात खस स्वपजाद यति अगर उपजे, कि अहिर हैं, यवन हैं, ईसाई, मुसलमान, खस आदिवासी वाल्मीकि समाज जो है अधम से अधम और पाप का एक खान है, और अधम जाति में विद्या पाए और भयहू यथा यही बीच बिराए, कि रामचरितमानस जो है यह समाज का मार्गदर्शक साहित्य नहीं है, यह कोई धर्म ग्रंथ नहीं है, यह देश अब धर्म ग्रंथों से नहीं चलेगा, मनुस्मृति के विधान से नहीं चलेगा, बल्कि यह देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। रामचरित मानस को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में तमाम लोग यहाँ पर बाबा राव भीमराव अंबेडकर के स्मारक पर यहाँ पर मौजूद है। उनसे जानेंगे आज आप लोगों का स्वामी प्रसाद मौर्य का किस तरीके का समर्थन है, आज आप लोग यहाँ पर पहुँचे। माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो 97% आबादी के पक्ष में आवाज़ उठाई है, हम लोग उससे सहमत हैं और उनकी इस लड़ाई को हम लोग अंतिम तक लड़ेंगे, जब तक रामचरितमानस से उन चौपाइयों को, जो अपमानजनक चौपाइयां हैं, उनको हटाया नहीं जाता है, तब तक ये लड़ाई अब चलती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ये साजिश है, जातिवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसको लेकर साजिश तो मानी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कर दिया है। जे बरनाथ हम तेल कुम्हारा सुपच किरात को कलवारा, आई गुण आठ सदा उर रहाई, नारी स्वभाव सत्य कब कहीं, इस तरह से अपमानजनक चौपाइयों को लिख करके साजिश तो जातिवाद की वहां से हो गई। और भारतीय जनता पार्टी की रोजी रोटी चलती है, उसकी सरकार जो है इसी जातिवाद को बढ़ावा दे करके चलती है, इसलिए उनको अब जब दलित जाग गया है, महिलाएं जाग गई हैं, आदिवासी जाग गया है, बीसी जाग गया है, तो उनके पेट में मलोड़े शुरू हो गई हैं। और किस तो साफ तौर पर आपने देखा कि किस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में तमाम जो संगठन के लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं, और उनका साफ तौर पर कहना था कि स्वामी प्रसाद मौर्य का हम जिस तरीके से उन्होंने एक बयान जारी किया रामचरितमानस को लेकर, उसमें जो सुधार करने की बात कही जा रही वो उसका समर्थन करते हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर शहीद जो अम्बेडकर राव जो शहीद स्मारक है वहाँ पर लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और साफ तौर पर उसमें महिलाओं, आदिवासी, दलितों और पिछड़ों के नाम पर जिस तरीके से राजनीति होती है उसको लेकर ये लोग आज स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर तमाम जो है संगठन है वो यहाँ पर मौजूद है, साफ तौर पर स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। लखनऊ से MK न्यूज़ के लिए अविनाश।